हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सभी का? एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है? स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो रही है? गुड इवनिंग माँ लक्ष्मी। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक बार बता दीजिए फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अगर आपके पास ये सेशन आप लोग अटेंड करेंगे मेरा, तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। सी, मुझे ये दो तीन चीजों पे आप लोगों को चाहता हूं मैं कि आप लोगों पे काम कराऊं कि यार हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पेपर सेटर। क्या सोचकर पेपर सेट किया जाता है, आपसे क्या डिमांड की जा रही है, आपसे क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने अप्रोच को चेंज करेंगे। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार देखा होगा, एचएस का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही शॉर्ट सेशन है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 years अगो फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 9:11। ठीक है, 4 साल पहले ए और बी के एजेस का रेशियो 9:11 था। 6 साल बाद, 6 years हेंस फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 7:8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करें। सिर्फ आप लोगों को 10 सेकंड 15 सेकंड देना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली मैं बी का अगर रेशियो को मार्क करूं तो देखिए यहाँ पे 11 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है। मैं जनरली आपके पास प्राइम नंबर को ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, प्राइम नंबर को। ठीक है, तो यानी 4 साल पहले जो बी का एज होगा, क्या उसका रेशियो 11 है, तो उसकी एज जो रहेगी वो 11 का मल्टीपल होगी कि नहीं, 4 साल पहले की बात करना है। तो ये जो भी आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है, ये प्रेजेंट एज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। मुझे 4 साल पहले का एज चाहिए, 4 साल पहले का एज चाहिए, तो सब में से 4 माइनस कर दीजिए, सब में से 4 माइनस कर दीजिए, और आप देखिए यहाँ पे कितना बनेगा 22, यहाँ पे कितना बनेगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 26, यहाँ पर कितना आएगा 14, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 28। अब अल्टीमेटली ये 4 साल पहले की बी की एज है, क्या इसको ओरल किया जा सकता है? प्लीज आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू बी कनेक्टेड एंड कॉमेंट में एक्टिव रहे आप लोग। ठीक है, कॉमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी मच एक्टिव। फाइन, चलिए तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो मैंने 4 साल माइनस किया, क्यों किया? क्योंकि 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है और बी का पार्ट कितना है हमारे पास 11। अब आप लोग बता सकते हैं कि हमें कौन सा वाला ऑप्शन में, क्या एक यूनिक ऑप्शन दिख रहा है मुझे जहां पर बी का जो आपके पास ऑप्शन है, बी का जो एज है वो 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में बन रहा है। दिस इज यूनिक ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसको फटाफट मार्क करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या मेरा सोल्यूशन समझ में आया कि मैंने क्या बताया? सोल्यूशन में मैंने लिखा कुछ नहीं, इक्वेशन कुछ नहीं बनाया, वही सब चीजें मुझे अवॉइड करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर हो गया? सोल्यूशन कितना है मेरा, अप्रोच क्या है, वो चीज समझना है। यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी टेक्निक क्या रहेगी एग्जाम में, और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, कितने टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। करेक्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। अगला सवाल बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट क्विक रिप्लाईज सभी लोग। एक छोटा सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आप लोगों को बताऊंगा मैं कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मुझे कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। रेशियो ऑफ द एजेस, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ए का यूनिट है 5, बी का यूनिट है 4, बहुत बढ़िया। एज ऑफ बी 23 years हेंस विल बी 25% मोर देन द एज ऑफ ए 4 years हेंस। ठीक है, ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये इक्वेटिंग कंडीशन है।
ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये इक्वेटिंग कंडीशन है। आपको पूछा गया है सम ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस का ही रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 5 और 4। अगर ए का आपके पास एज का यूनिट 5 है, बी का 4 है, तो टोटल कितना होगा? 9। 5 और 4 को मिलाएंगे कितना बनेगा? 9 यूनिट्स। 9 यूनिट का मल्टीपल, 9 यूनिट का मल्टीपल, 9 यूनिट का मल्टीपल, 9 यूनिट का मल्टीपल, 72। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया ये पार्ट? क्या सभी लोगों को मेरा अप्रोच समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ठीक है, ग्रेट। 72 ईयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग प्रेजेंट है। एक छोटा सा सेशन है, लेकिन आप लोगों का दिमाग खुलेगा कि हम लोग कितने गलत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में पेन चलाने की टेंडेंसी को हटाना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को बेसिक मैथ सॉल्यूशन चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अप्रोच। एग्जाम में सिर्फ कितना पेन चलाना होता है, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप लोग सिर्फ यूनिक ऑप्शन को ढूंढकर आंसर मार्क कर सकते हैं। ऐसा किसी के दिमाग में आ सकता है कि यूनिक ऑप्शन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज एक बार बता दो मॉन्टी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है? दैट इज 5:4 दिया हुआ है। ठीक, ये 5:4 रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, और अल्टीमेटली दिस इज द इक्वेटिंग पार्ट। मुझे इक्वेशन से ही तो बचना है, इक्वेटिंग पार्ट से बचना है। क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। यार ए का जो यूनिट रहेगा 5 रहेगा, बी का यूनिट 4 रहेगा, टोटल कितना आ जाएगा? 9। टोटल अगर 9 यूनिट्स आ गया तो 9 यूनिट का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यूनिक। 72 ईयर्स, दैट्स इट। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट क्विक आंसर फ्रॉम एवरीवन, क्विक आंसर, आई वॉन्ट क्विक आंसर फ्रॉम एवरीवन। अभी तक जो दो क्वेश्चंस थे हमारे पास यूनिक ऑप्शन में थे, प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछा करे एक बार बता दिया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा हुआ है कि अर्जुन और निधि का जो रेशियो है ये गिवन है कि 7:5 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है अर्जुन और निधि का, फाइन, ओके। फिर आपके पास कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 2 ईयर्स हेंस द एज ऑफ अर्जुन विल बी 25% मोर द एज ऑफ निधि 4 ईयर्स हेंस, एक कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या हो गया? अर्जुन का हमारे पास 7 यूनिट्स है, निधि का 5 यूनिट्स है, टोटल कितना यूनिट्स बनेगा? 12 यूनिट्स बनेगा। 12 यूनिट का मल्टीपल ढूंढते हैं, 12 यूनिट का मल्टीपल ऑप्शन ए नहीं मिला, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, 12 3 जा 12 4 जा 26 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। क्या यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी आई कि भाई हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हमारे पास कंडीशन मैच कर रहा है, अब मेरे पास यूनिक ऑप्शन नहीं है? जो मैं अभी तक मैंने दो क्वेश्चन दिया था यूनिक ऑप्शन पे दिया था, अब मेरे पास यूनिक ऑप्शन नहीं है। क्या सभी लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट बताओ भाई, सभी लोग बताइए। सेशन को लाइक वगैरह कर दो भाई फटाफट। ठीक है, अब मेरे पास यूनिक ऑप्शन नहीं है। 7 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, टोटल हो गया 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, दो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्या करना है अब? अगर हमारे पास देखो ऐसा कभी भी कंडीशन आता है कि दो ऑप्शन हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो किसी एक ऑप्शन को उठा लो और कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो कि क्या ये मैच करेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने ऑप्शन बी उठा लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने ऑप्शन बी उठा लिया 36 इयर्स, लेट मी चेक कि क्या ये सही होगा। अब कुछ चीजें मैं थोड़ा ओरल करूंगा, यार 7 और 5 का सम हमारे पास 12 12 बराबर 36 आएगा। ठीक है, अगर मैंने इस ऑप्शन को लिया 36, मतलब सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 36, तो 7 और 5 का सम कितना बना? 12 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3। देख लो भाई, लिख देता हूं, 12 बराबर 36, 1 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, 1 बराबर 3, तो सिंपल सी बात है, 7 बराबर कितना आएगा? 7 बराबर 21, तो 5 बराबर कितना आएगा? 15 आएगा, करेक्ट। तो 1 यूनिट अगर 3 के बराबर आ गया तो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 21, इन दिस केस प्रेजेंट एज ऑफ निधि इज 15, ये मेरे पास आ गया फटाफट। कुछ सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, बस हम लोगों को क्या करना है, फटाफट इसको लिख लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेंगी। अब इस कंडीशन को मैच कराओ कि हमारे पास अर्जुन की एज और निधि की एज जिस भी कंडीशन में बोला हुआ है, मैं जरा देखता हूं क्या आपके पास ये मैच करेगा। अर्जुन की एज कब? 2 साल बाद। प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 21, 2 साल बाद कितने साल का होगा? 23 का होगा। निधि की एज कब की? 4 साल बाद। 4 साल बाद कितनी की होगी? 19 की होगी। यार मुझे चेक करना ही नहीं है,
1923 ऐसे आपके पास प्राइम नंबर से जो फर्दर कैंसल आउट नहीं होंगे, 25% का कंडीशन मैच नहीं करेगा। 25% मोर का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास 1/4 ज्यादा होना चाहिए, 4 पे 1 ज्यादा, मतलब इधर का रेशियो 4 होना चाहिए था, इधर का रेशियो 5 होना चाहिए था, यही मैच करेगा, मतलब मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये आंसर गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, इसका मतलब अगला वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे कि भैया ये गलत हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया? ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन मिले, मैंने एक ऑप्शन को उठाया, एक ऑप्शन को उठाकर मैंने चेक किया कि क्या ये 25% वाला कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसके अलावा वाला जो आंसर है वही ऑप्शन है, वही मेरा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज दिस करेक्ट? इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर हो गया आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, एकदम आंसर चाहिए मुझे सेकंड्स में, सभी लोग जितने भी लोग चैट एक्टिव है सबका आंसर मुझे चाहिए। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years अगो वॉज 12:7, 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो 12:7 था। ये देखो इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन है, यहीं से इक्वेशन बनती है, ये देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन है। प्रेजेंट एज ऑफ सी 6 years लेस देन दैट ऑफ बी, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी इज 2:1, फाइंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालना है। ये बताओ ये जो 12:7 रेशियो है ये कब का है? 4 साल पहले का रेशियो है, 4 साल पहले का। पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ बी। अगर ये सारे ऑप्शंस प्रेजेंट एज ऑफ बी हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा तो मैं चाहता हूं कि हर ऑप्शन के रेस्पेक्ट में 4 साल पहले की बी की एज निकालिए, 4 साल पहले की बी की एज, 4 साल पहले, 4 साल पहले, सब में से 4 साल माइनस कर देंगे, कितना बनेगा? दिस विल बी 28, दिस विल बी कितना? 32। ये कितना बनेगा? 24। ये कितना बनेगा? 20। ये कितना आएगा हमारे पास? 36। अब देखो ध्यान से, 4 साल पहले जो हमारे पास बी का एज दिख रहा है वो कितना यूनिट दिख रहा है? 7 यूनिट दिख रहा है। अगर वो 7 यूनिट दिख रहा है, ये 4 साल पहले का बी का एज है हर ऑप्शन के रेस्पेक्ट में, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 का मल्टीपल मिल रहा है मुझे? देखो ये ऑप्शन नहीं मिला, ये ऑप्शन नहीं मिला, ये ऑप्शन नहीं मिला, ये ऑप्शन नहीं मिला, एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंसर इज 28 years। इज दिस करेक्ट एवरीवन? प्लीज थोड़ा सा कमेंट करने की कष्ट करें, मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं 40% क्वेश्चंस में, 40% क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यूनिक ऑप्शन दिया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। रेस्ट 60% क्वेश्चन के लिए आपकी मैथ्स की नॉलेज, क्वांट की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, और आप वहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वेशंस लगाएंगे, वो 60% क्वेश्चन में करना पड़ेगा। लेकिन गलती से भी इस 40% क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व मत किया करिए, ये बिल्कुल हार्मफुल है। ठीक है, ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये एक मिनट रहने दो, चलो कोई नहीं, इसको 1 मिनट रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को बिट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये अभी बताते हैं इसको, पहले इसको करिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए। 900 ml मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4 respectively, 20% of the mixture is taken out and some amount of water is added to the remaining mixture so that the ratio of milk to water in the remaining mixture becomes 4:5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं बहुत आराम से सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को पहले। ठीक है, पहला स्टेप मैं बना देता हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग का। मेरे पास कितना ml है? 900 ml है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना? 5:4। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है, अल्टीमेटली व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क 5:4 में? अगर हम लोग ब्रेक करेंगे 900 को तो कितना बनेगा? ये 500, और ये कितना बनेगा? 400। लिख लिया मैंने। फिर बोल रहा है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। ओके फाइन, 20% मिक्सचर निकाल दिया गया। 20% मिक्सचर हमारे पास कितने के बराबर होगा? 900 का 20% 180।
10% विल बी 90, 20% विल बी कितना 180 ml हमारे पास निकाल दिया गया, 180 ml निकाल दिया गया। कितना बचेगा अगर 180 निकाल दिया गया? यहां पे कितना बचेगा? 720 ml। मिल्क और वाटर का रेशियो अल्टीमेटली जब भी मिक्सचर निकाला जाता है, रिडक्शन होता है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, अल्टीमेटली द रेशियो विल बी कितना? 5:4 ओनली। जब तक एडिशन नहीं होता है तब तक रेशियो में चेंज नहीं आएगा, मिक्सचर निकालने पे रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है? ओके, अब मैंने कहा कि 5:4 है, 720 को 5:4 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 9 बराबर 720, तो 1 बराबर कितना? 80। 80 तो 5 बराबर कितना? 400। तो 4 बराबर कितना? 320। हमारे पास मिल्क आ गया 400, वाटर आ गया 320, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर बिकम्स 4:5। अब देखो मैं कितना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ठीक है, सोल्यूशन को। एनीवेज फिर कुछ बोल रहा है कि यार एक्स एम एल मान लो, मैंने कहा एक्स एम एल वाटर को एड कर दिया गया, नया रेशियो हमारे पास कितना बनेगा मिल्क और वाटर का? नया रेशियो कितना बचेगा? दैट इज 4:2। देखिए अल्टीमेटली ना मुझे ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मिल्क कितना है यहाँ पे, वाटर कितना है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? अब चलते हैं, ये देखिए 5:4 था, 900 ml, 120 ml निकाल दिया, 180 ml निकाल दिया गया, 720 बच गया। 720 में 5:4 ही रेशियो रहेगा, यहाँ पर 5:4 रेशियो है, तो मैंने मिल्क निकाल लिया 400, वाटर निकाल लिया 320। फिर बोल रहा है कि एक्स एम एल मैंने वाटर एड कर दिया। अब आप चाहो तो इसको नॉर्मल रेशियो मेथड से कर सकते हैं या फिर आप इसको नॉर्मल इक्वेशन से कर सकते हैं, जैसे करना चाहते हैं। तो मिल्क तो हमारे पास 400 है, वाटर इस कितना 320, इसमें अगर एक्स ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली रेशियो कितना बनेगा? रेशियो विल बी 4:5। 4 से कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास कितना बनेगा? 100। अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 180 आएगा। यस और नो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 180 ml हमारे पास वाटर एड किया गया है, ठीक है? अब क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड Is what percent of the initial mixture? मतलब सिंपल सी बात है, 180 जो है वो 900 का कितना परसेंट होगा, ठीक है? अभी हमने निकाला था यार, 900 का 10% 90 होता है, तो 20% हमारे पास 180 होगा, 20% is the right answer, option C is the right answer। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, इसको बिना ऑप्शन या किसी भी तरीके से कराया मैंने, ठीक है? एक सिंपल सी बात है, पहली बात है जब भी कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज रेशियो पूछता है तो कोई भी हमारे पास रेशियो मेथड वगैरह सॉरी ऑप्शन मेथड काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है? जहां पर जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास कहीं नहीं लगता है, समथिंग एक्स लेफ्ट अपॉन एक्स इनिशियली, इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला कहीं नहीं काम करता है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से ही अप्रोच को करना पड़ेगा, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो आंसर इज 20%, 20% इस क्वेश्चन का आंसर है, फाइन। चलिए अब जरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ठीक है? 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो है 9:11, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालना है, सेकेंड्स में आप लोगों को बनाना है कि भैया देखो जो भी हमारे पास प्रेजेंट एज दिया हुआ है सब में से 4-4 माइनस कर लीजिए, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि 11 का मल्टीपल है वही मेरा आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास 5 से 10 सेकंड तक का क्वेश्चन होना चाहिए, और इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, यस और नो, यही चीज की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी सेम 5 से 10 सेकंड वाला, 5 to 10 सेकंड वाला, कि भैया ए और बी के एज का रेशियो 5:4 है, सम बन गया 9 यूनिट्स, सम बन गया 9 यूनिट्स, ये इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन है, पहले मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा बिना इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, सम ऑफ द प्रेजेंट डिजिट्स पूछा हुआ है, 9 का मल्टीपल यूनिकली एक ही ऑप्शन मिला, मैंने आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया 5 से 10 सेकंड, दैट्स इट। अगला सवाल, यहाँ पे अर्जुन और निधि की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 7 और 5 है और कुछ इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मुझे चाहिए सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, 7 और 5 का सम बनेगा 12। दुविधा यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे यूनिक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 12 का मल्टीपल हमारे पास दो ऑप्शन मिला बी और सी, बी और सी दो ऑप्शन अगर हमारे पास मल्टीपल मिला तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऑप्शन को उठाकर
एक्सपेक्टिंग वाले पार्ट को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला वाला मेरा आंसर आ जाएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है। 36 को ट्राई किया, 25% वाली कंडीशन मैच नहीं की, यानी 48 ईयर्स इज माय राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ए और बी का एज का रेशियो 4 साल पहले जो है 12 और 7 है, मतलब 4 साल पहले बी का एज का यूनिट होगा 7 और ए की एज का यूनिट होगा 12, ठीक है। ये इक्वेटिंग इंफॉर्मेशन है। क्या पूछा हुआ है? प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा हुआ है। प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछने का मतलब है कि हमारे पास हर जगह बी का प्रेजेंट एज का रेस्पेक्टिव रेशियो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी। आप सब में से 4 साल माइनस करिए भाई, प्रेजेंट एज ऑफ बी जो है वो क्या आता है हमारे पास, 7 यूनिट्स, चार चार माइनस किया, एक ही यूनिकली हमारे पास 7 का मल्टीपल दिखा 28, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब सेम तरीके से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा कोई बात नहीं, 10 सेकेंड और ले लीजिए, लेकिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ फिलहाल के लिए, एवरेज का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कोई टेक्निक नहीं बताया, मैंने प्रॉपर सोल्यूशन बताया हुआ है जिसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टाइम मैं सेशन कभी भी आपके पास रखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक आप लोगों को जरूर पढ़ाऊं, जो तरीके से मैं रिप्लेसमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ मजा आया, कुछ सीखने को मिला, ठीक है। जरूर एक बार बता दिया करिए और सेशन को लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है। एक और चीज, 80% ऑफ पीपल जो लोग देखते हैं सेशन को, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और आपके फ्रेंड्स कोई भी अगर आपके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी का, जो कि 6000 का है, 22 आई मीन ये जो आपके पास 10% डिस्काउंट लेके अगर मेरा रेफरल कोड गौरव वाईटी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा आप लोगों को 5400 का पड़ेगा। तो प्लीज जब तक फीस का आपके पास हाइक नहीं हुआ है तब तक प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एनीवेज, सो दिस द फीस, दिस द रिकमेंडेड कोर्स फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, एंड गौरव वाईटी इज द रेफरल कोड, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज सीखने के लिए, कुछ नई चीज सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।